हरियाणा के रोहतक में प्रेम प्रसंग के कारण युवती के परिजनों ने युवती सहित उसके प्रेमी और उसके परिजनों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके प्रेमी के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसका प्रेमी गोली लगने के कारण PGIMS में भर्ती है। यह वारदात वहां पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस डबल मर्डर केस में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मृतक युवती की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो कि विवाहित थी। अपने पति से अनबन होने के कारण अलग रह रही थी। मृतक युवती के माता पिता की मौत होने के बाद ताऊ ने उसकी शादी करवाई थी। 3 साल पहले शादी हुई थी खेड़ी जट में, राजेंद्र, तो वहाँ से इसका छूट छुटा हो गया था। फिर अब इस लड़के के साथ इसका लव अफेयर कर गया था। तो पर ये लव मैरिज करने के लिए आए थे इसके परिवार वाले, इसके भाई, इसके माँ बाप वगैरह, और ये इधर से कुलदीप है, इसकी भतीजी है। ये गया था, ये वहाँ कोर्ट में पहुँचे नहीं, उन्होंने यहाँ बुला लिया और यहाँ आने के बाद इंसिडेंट गोलियाँ लगते हैं। तो इसमें कितने अक्यूज हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं? इसमें गिरफ्तार हुआ है कुलदीप, उसकी पत्नी मुन्नी और बहन का लड़का है विकास रोहित, और इसका उसका खुद का लड़का मंदिर, इस लड़का फरार है। तो इसमें जो एक एक्यूज था, जो इसका लड़का कपिल, वो फरार है, उसका पता नहीं चला, मोबाइल उसका बंद है। अच्छा, पूरा तो मामला क्या लगा, क्यों की गई, कारण क्या है? कारण तो बस इसने यही बताया कि ये लड़की अपना लव मैरिज करना चाहती थी, हमें को उस बात को मतलब हम उस बात पर राजी नहीं थे, लेकिन ये राजी खुशी आए थे शादी को, कि तो नव मैरिज की बात तो कुलदीप ने चलाई थी। तो ये है बाद में इसका क्या दिमाग फिरा क्या नहीं, बाद में ही घटना। तो लड़की को कार में गोली किसने मारी? कार में गोली कपिल, कुलदीप का लड़का। अच्छा, इसमें एक और घायल है उसके? हाँ, वो उसका रोहित का बड़ा भाई है, मोहित, वो ठीक है, उसकी कंडीशन। तो ये हथियार जो इस्तेमाल हुए सर, लीगल है, लीगल है? हाँ, बस अब इनका पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद बरामदगी होगी, फिर पता चलेगा लीगल है। किन किन धाराओं के मामले दर्ज? 302, 307, 120, 324 आई। अच्छा, एक लड़का जो इसमें अरेस्ट किया है, जो कुलदीप का बेटा है, उसका बताया जाता पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए, 9 वर्ष से काम ना हो नहीं, इस बात के बारे में जानकारी। तो ये जो लड़का है, ये मंजीत, अच्छा ये बेटा है इसका, दो बड़ा बेटा। ठीक है। पति से अलग रहने के दौरान मोहित नाम के एक युवक से पूजा को प्रेम हो गया था और दोनों शादी करना चाहते थे। बुधवार को ताऊ ने सहमति जताते हुए उनकी शादी कोर्ट में करवाने के बहाने लड़के के परिवार को अपनी भतीजी सहित दिल्ली बाईपास पर बुलाया था, वहीं उन पर गोलीबारी की गई। पुलिस ने लड़की के ताऊ, ताई, चचेरे भाई और मुख्य आरोपी के साले को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का छोटा लड़का अभी फरार है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी ने मीडिया के सामने कबूल किया कि पूजा को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, वह उससे ऊपर होकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मेरे पास इससे ज़्यादा कोई तारा नहीं पा मैंने इनसे पूछ के भी देखी, उड़े दूर है भी, उन्होंने भी आउट फ्री करती है, मैंने परिवार को क्या बताया, मैंने 2 बच्चे साथ में लिए थे, तो था कि नहीं, मैं इसको चेक करा कर। समझाया नहीं आपने इनको, बेटी को? बेटी को नहीं समझाया ना, बेटी को उड़े तो जाए पास, मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर इनका सिस्टम दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था, शादी करे आखिर वहाँ भी, और जो ये लेकर जाते हैं वो तो उधर रिपोर्ट है। तो आप नाराज क्यों थे, किस बात से नाराज? आप किस बात से नाराज? मैं नाराज नहीं था जी, मैं तो ये जी नहीं, जो सिस्टम रखा ना उस बात ने मैं पकड़ कर गया, मैंने किसी को बताई नहीं। तो आप हथियार भी पहले लेके आए थे, तो योजना तो पहले थी आपकी, ये जो रोहित के साथ अभी शादी हुई उससे नाराज की थी शादी में? 2 भी नहीं जी, सिस्टम तो मैंने सारा करे, क्योंकि आप हथियार लेके आए हो तो इसका मतलब योजना तो आपकी पहले ही से थी। नहीं जी नहीं, पहले योजना कहते थे ना, फिर मरना इसे पौधा।